रिजेक्शन जब अपने को मिलता है तो उसके बाद हमें ट्राई करना है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सेल्स कॉल के अंदर ना बोलने के बाद भी उसके साथ बैठते, ग्रेट, कुछ लोग हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा जो आज से 10 साल पहले मैंने कहीं सीखा था। सेल्स की शुरुआत जो है ना वो ना से होती है। जैसे कि आप लोग तुरंत कनेक्ट करेंगे, प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, कहाँ से? जब सामने वाली पार्टी बोले कि नहीं, वहीं से तो शुरू गेम होती है। तो उसी तरीके से सेल्स भी है। सेल्स के अंदर हमें ये ऑलवेज ध्यान रखना है, कस्टमर ना बोल रहा इसका मतलब आपको ये नहीं ले लेना है पर्सनली कि इसको नहीं चाहिए। नो का मतलब होता है आई नो, मतलब अभी तक आपने जो भी प्रेजेंट किया या अभी तक जो भी आपने बातचीत बताई, मैं ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपसे क्यों खरीदूं, वो अभी तक आपने मुझे बताया ही नहीं है। तो आई नो, मुझे पता ही नहीं है कि आपने क्या बताया, तो फिर से सर एक बार बताइए जिससे मैं तैयार हो जाऊं एज अ कस्टमर आपसे खरीदने के लिए। और उन चीजों को हमें कनेक्ट करना है। क्लियर? यस। व्हाट इज सेल्स फॉर यू? आप लोगों के लिए सेल्स क्या है? व्हाट इज सेल्स? सेल्स की डेफिनेशन क्या है? यस, एनीवन? रेवेन्यू बढ़ाने का एक जरिया, ग्रेट। फिर? यस सर। प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन देना, वो एक सेल्स करना उसको बोल सकते हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट डिलीवर कर देना वो एक सेल्स बोल सकते हैं उसको, और क्या बोल सकते हैं? बहुत बेहतरीन। ये सभी चीजों को अगर मिलाया जाए तो एक चीज निकल कर आती है जो सेल्स के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका हमें ध्यान रखना है। सेल्स जो है वो एक्सचेंज करना है रिलेशनशिप। सेल्स जो है वो एक्सचेंज करना है हमारा रिलेशनशिप, जो रिलेशन सामने वाले बंदे के साथ लॉन्ग टाइम तक रहे। क्योंकि रिलेशन अगर आपने बिल्ड कर लिया तो प्रोडक्ट तो उसको बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा। और हमारे सेल्स के अंदर या सेल्स की प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, हम प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, मार्केट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में उसको बता देते हैं, लेकिन उसका ये हाल नहीं पूछते कि भाई घर पे सब कैसे है, या उसके बारे में ही नहीं जानते। ज़्यादातर सेल्स के अंदर हमने देखा हुआ है लोग जो है वो 80% बोलते होता है, और बोलने के बावजूद भी उनको सेल्स नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अब आने वाला टाइम बोलने वाले लोगों का, सेल्स पर्सन का नहीं है। अब आपको सेल्स के अंदर बनना पड़ेगा सेल्स कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट क्या करेगा? कंसल्टेंट बोलेगा कम, सुनेगा ज्यादा। और सुनना जो है वो एक कला है, और सुनने के लिए सामने वाले बंदे का ट्रस्ट जितना, विश्वास जितना, उसका जो रास्ता जाता है वो दिल से होकर नहीं जाता है, वो कान से होकर जाता है। समझना, जितना ज्यादा आप सेल्स के अंदर बातें करके सामने वाले कस्टमर को सुनोगे, तो सामने वाला जब बोल रहा है ना, उसका मतलब आप उसका विश्वास जीत रहे हो। और जब भरोसा आपने जीत लिया तो क्लोजिंग पक्का है। लेकिन साथ में आपको क्या बिल्ड करना है? रिलेशनशिप। तो आज के बाद सेल्स हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए करेंगे नहीं, हम आज के बाद सेल्स जो है वो लॉन्ग टाइम रिलेशन कस्टमर के साथ कैसे बिल्ड कर सके, उस पर्पस से करेंगे। और उस पर्पस को अगर हमने फुलफिल कर लिया तो एक होता है शॉर्ट टर्म सेल्स, एक होता है लॉन्ग टर्म सेल्स, आपका लॉन्ग टर्म सेल्स होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? कुछ चीजें इंपॉर्टेंस होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स को लेकर, जैसे कि सेल्स जो है वो इतनी चीजों को डेवलप करने में हमें सपोर्ट करता है। सबसे पहले बिजनेस को ग्रोथ करना लोकली एंड ग्लोबली, वो सेल्स के फैक्टर के थ्रू आउट ही होने वाला है। सेकंड चीज होती है कि बेटर स्टैंडर्ड लिविंग अपना हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हम गेन करते हैं।
थर्ड है एम्प्लॉय जो है वो हमारे ज्यादातर ग्रो हो सकते हैं क्योंकि सेल्स के कारण उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है या उनको जो फैसिलिटीज देनी है वो हम इजीली उनको दे पाते हैं। उसके बाद है कि हम जो टैक्स है वो अच्छी तरीके से पे कर पाते हैं क्योंकि अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। और उसके बाद है मार्केट को हम डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हम अपने पास लेकर आ सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस आपके कंपनी के अंदर होगी एक ही प्रोडक्ट के कारण या एक ही डिपार्टमेंट के कारण, वो है सेल्स का डिपार्टमेंट। यस, तो ये सब कुछ अगर ग्रो करना है तो हमें समझना पड़ेगा सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कंपनी के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को है यहां पर बैठे जितने भी लोग, क्योंकि यहां पर हमने कुछ किताबें चुनिंदा यहां पर लेकर आए हैं और ये पूरे सेशन को लाइव रखने के लिए हमने एक एक्टिविटीज रखी हुई है। और ये एक्टिविटीज ये है कि पूरे सेशन के दरमियान जितनी भी किताब वहां पर है उस किताब के हकदार आप लोग हो सकते हो, क्योंकि चालू सेशन के बीच में लाइव में आप लोगों को क्वेश्चंस करने वाला हूं और उस क्वेश्चन का जो बेहतरीन आंसर देगा उसको रिवॉर्ड में ये किताब मिलने वाला है। तो सभी लोगों को अन करने का मौका है पूरे सेशन के अंदर। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, हम खेलेंगे कौन बनेगा, नहीं हम खेलेंगे कौन बनेगा ये बुक का ऑनर, क्योंकि ये बुक्स जो है वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। ओके, तो सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है और वो सवाल ये बता रहा है कि व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या है आप लोगों के लिए, कोई बताएगा? यस सर, बिल्ड रिलेशनशिप। बिल्ड रिलेशनशिप, ग्रेट। और यस सर, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट पूरी करनी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, वो सेल्स करने का एक तरीका है। ग्रेट, कंपनी के जो गोल है, जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए सेल्स करना जरूरी है। कस्टमर ने जी प्रोडक्ट जोई छी एने समझी ने एने ई वस्तु लेवा माटे मदद करवी। ओके, ग्रेट। यस यस सर, सो इट इज एक्सचेंजिंग ऑफ रिलेशनशिप सो एज टू इंक्रीज लाइफ टाइम वैल्यू बाय हैविंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नॉट ओनली एक्सचेंजिंग बट रिटेनिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करना है और लॉन्ग टाइम के लिए उनके साथ जो चीज़ें हैं वो उनको फुलफिल करके देना है। ग्रेट, और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? क्योंकि जिसका आंसर बेस्ट होगा उसको ये बुक मिलने वाली है। यस सर, सेल्स इज अ बैकबोन ऑफ द बिजनेस। ओके, अगर सेल्स नहीं होगा ठीक है तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ओके, ग्रेट। तो अगर कोई भी बिजनेस है उसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहेगा वो सेल्स रहेगा। ओके, कि सेल्स से सारे के सारे डिपार्टमेंट होता है या तो सेल्स का जो बिजनेस का जो रन होता है तो पूरा का पूरा जो भी काम हो रहा है वो सेल्स के ऊपर ही होता है। ओके, अगर सेल्स डाउन हो गया तो बिजनेस जो है वो बंद भी हो सकता है रातों रात। सही है, सेल्स अप हो गया तो वो दूसरा कंपनी भी ओपन कर सकता है। सही है, तो अल्टीमेटली कोई भी धंधा हम लेके बैठे हैं ठीक है तो उसका मेनली जो पार्ट रहेगा वो सेल्स रहेगा। ओके, और सेल्स के लिए जितना भी खर्चा हो, मार्केटिंग हो या लोग हमें लगाने पड़े ठीक है तो वो सारा का सारा जो मेन फैक्टर होता है वो सेल्स होता है। ग्रेट, अगर बंदा सेल्स के अंदर सबसे मार्केटिंग बढ़िया हो गया ठीक है, लोग बढ़िया हो गए पर उसके अंदर सेल्स नहीं आएगा ठीक है तो वो धंधा चलने वाला नहीं है। ओके, तो अल्टीमेटली सेल्स इज एवरीथिंग फॉर एनी बिजनेस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों को। सभी लोगों ने बेस्ट आंसर दिया है, लेकिन बेस्ट में से बेस्ट आंसर जिनका मिला हुआ है उनको हम रिवॉर्ड देंगे। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच पहला रिवॉर्ड जो जा रहा है वो ये सर को जा रहा है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक फोटो क्लिक कर लीजिए सर के साथ और ये अवसर आप लोगों को भी मिलने वाला है। यस, प्लीज एक फोटो क्लिक कर लीजिए।